और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ एवं खुश रहेगा। आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने जा रहा है, देखिएगा जरूर, क्योंकि हर एक के लिए उपयोगी है। अभी तक आप मुझे अकेले देख रहे थे मेरे कई सारे वीडियोज में, आज मेरे साथ पिताजी भी हैं और हम लोग आज करके दिखाएंगे योगा फॉर सीनियर सिटीजंस। मैं सीनियर तो कह रहा हूं कि अधिक उम्र के लोगों के लिए, 50 या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो जवान तो हैं लेकिन उनका जो व्यवहार है, उनकी जो एक्टिविटी है, सीनियर सिटीजन की जैसी है। बहुत से लोग यंग है लेकिन उनकी बॉडी मूवमेंट नहीं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। जिनकी बॉडी बहुत कड़ापन, उनके लिए बहुत उपयोगी है। हमने और पिताजी ने तय किया कि आज ऐसा डिजाइन किया, कुछ हम लोग पहले से डिजाइन किए कि हमको क्या करके दिखाना है। आपके घर में भी अगर बुजुर्ग माता पिता हो या फिर कोई भी इस उम्र के हो, कोई बहुत कमजोर व्यक्ति हो जो कठिन अभ्यास नहीं कर पाते, कठिन आसनों को नहीं कर पाते, उनको आज हम लोग जो करके दिखाने जा रहे हैं वो करिएगा, कराइएगा, बहुत लाभ होगा। आप देखते हैं कि जिनकी अधिक उम्र हो जाती है उनके हाथ में बहुत तेज मूवमेंट नहीं होता। हमको गिलास का पानी देना है तो हम सीधे हाथ बढ़ा देते हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उनका हाथ धीरे धीरे जाता है, हाथ में कंपन होता है, हाथ पूरा उठता नहीं है। ज्वाइंट्स में पेन तो होता ही होता है, ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो ऐसे तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आती हैं। और तो और जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अपने आप को वैसे भी बूढ़ा मानते हैं, तो कुछ करना, उनको करना धरना भी नहीं रहता, सोचते हैं कि तुम बुजुर्ग हो गए हैं, हम बहुत अधिक बाहर नहीं जाएंगे, आराम से पड़े रहेंगे, ऐसे पड़े रहते हैं। इससे तमाम दिक्कतें आती हैं, रोग होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी क्रिया है लेकिन आप समझ, जीवन में बहुत असर आएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग शुरू करेंगे पिताजी और हम साथ साथ। वार्म अप की एक्सरसाइज है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर वो बैठ सकते हैं बैठा दीजिएगा, सामने पैर ऐसे फैलाइएगा। बहुत सारे वार्म अप हमने करके दिखाए हैं, थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा पीछे आ जाए। अब देखिए पैर की अंगुलियों से शुरू करते हैं, एक एक ज्वाइंट्स का आप देखिएगा कि कैसे अच्छे से एक्सरसाइज हो रहा है। पीछे हाथ ऐसे खड़ा करा दीजिएगा, नहीं तो दीवार में कह दीजिएगा, सहारा ले सकते हैं। पैर की अंगुलियों को चलाना है ऐसे। आप देख रहे हैं पिताजी का चल रहा है, मेरा थोड़ा और अच्छे से चल रहा है। एक कर रहे हैं तो आगे इनका मुड़ जा रहा है क्योंकि उंगलियों में इतना मूवमेंट नहीं है, थोड़ी सी कड़ी हो गई है। तो आप 10-10 बार कराएगा, 15-15 बार कराएगा, लेकिन इस वीडियो में हर क्रिया हम लोग 2-3 बार करेंगे जिससे वीडियो लंबा ना हो। तो उंगलियों का ऐसे करिएगा, फिर पैर के पंजे को आगे दबाना है ऐसे 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 पूरा, देखते जाइएगा। पिताजी की उम्र 75 ईयर्स है, 75 साल की है। पीछे की वीडियो में आपने इनको पद्मासन करते हुए देखा है और इसको आप कर लीजिएगा। तो पैर को मैं से गैप कराएगा, ऐसे थोड़ा चलाइएगा, कह दीजिएगा कि चलाएं। पूरा अगर नहीं चल पाता, आप देख रहे हैं पिताजी का उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, पूरा पैर हिल रहा है, इसका रीजन ये कि कड़ा हो गया है, यहाँ पे ज्वाइंट्स कड़े हो गए हैं। दोनों तरफ से ऐसे चलिएगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए आप ऐसे चलाइएगा, घर में जो भी लोग हैं आप हाथ से पकड़ के चला सकते हैं, एक तरह से आप योगिक थेरेपी दे रहे हैं उनको ऐसे। फिर दोनों पैर मिला के ऐसे दोनों पैर का पंजा सटा के बारी बारी से कर लेंगे, फिर दोनों पैर का पंजा मिला के एक साथ कर लीजिए पिताजी, ऐसे दोनों तरफ से कर लीजिएगा ऐसे। हम लोग दो दो बार करके दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं पंजे का पूरा हो गया। अब आपको घुटने का करना है। घुटना एक ऐसा पार्ट है जो बुढ़ापे में धोखा दे जाता है मैक्सिमम लोगों का, बहुत दर्द होता है। तो धीरे धीरे ऐसे करिए ऐसे पिताजी, ऐसे नीचे हाथ लगा के ऐसे करिए। फिर इसको भी ऐसे 2-3 बार कर लीजिएगा। मैं बहुत धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूं, पिताजी बल्कि मुझसे तेज कर रहे हैं। और फिर दोनों पैर मिला के एक साथ करा सकते हैं। अब देखिए अगर कोई बुजुर्ग है, उम्र अधिक हो गई, तो ऐसे ऐसे अपने आप नहीं कर पाएंगे, तो उनसे क्या कहिएगा, ऐसे दीवार को ले लेंगे सहारा ऐसे, फिर ऐसे करेंगे ऐसे, इस तरह कराइएगा। या पीछे हाथ पे जैसे पिताजी सहारा लिए हैं ऐसे सहारा लेके कर सकते हैं आप ऐसे धीरे धीरे। तो आप देखिएगा कि ऐसे करने से घुटने में जो कड़ापन तो दूर होगा, घुटने का दर्द निश्चित रूप से कम होगा, मूवमेंट होगा, रिलैक्स होगा। आपने इसको किया, अब आपको क्या करना है, ऐसे पैर करा लीजिएगा। बहुत बुजुर्ग हो गए हैं तो बहुत दूर यहां तक नहीं आएगा, पिताजी का तो देखिए थोड़ा ऊपर रह रहा है, मेरा नीचे तक हो गया। इसका रीजन ये कि
मेरे यहाँ पे अभी कड़ापन नहीं है, पिताजी की उम्र की वजह से कड़ापन आ गया, लेकिन फिर भी बहुत हो रहा है, ऐसा 2-3 बार चढ़ाइएगा, ठीक है, बटरफ्लाई। उसके बाद फिर पैर को ऐसे कर लीजिए, अगर बटरफ्लाई नहीं हो रहा है तो सिर्फ ऐसे करिएगा, ऐसे चढ़ाइएगा, ऐसे बस ऐसे ऊपर नीचे करना है, धीरे धीरे करना है। अगर बहुत बुजुर्ग है नहीं कर पा रहे हैं तो घर में पोता पोती होंगे उनको बुलाइएगा और कह सकते हैं कि आओ बेटा जरा मेरा पैर ऐसे कर दो, पोता पोती को भी अच्छा लगेगा, अच्छे संस्कार जाएंगे। और फिर ऐसे हाथ से दोनों तरफ से कर लीजिएगा ऐसे, और फिर ऐसे घुमा लीजिएगा ऐसे, ऐसे हाथ से बैठे बैठे कराइएगा तो बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। दोनों तरफ से ऐसे करिएगा, इधर से भी इधर से भी, फिर दूसरा पैर ऐसे करिएगा, इधर दूसरा पैर ऐसे करिएगा। आप देखिए इतनी आसानी से हो जा रहा है, पिताजी का भी अच्छा हो रहा है। बहुत से बुजुर्गों का हिलता ही नहीं है, इतना जाम हो जाता है हिलता ही नहीं है, लेकिन शुरुआत आपको करनी है। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो भी ये मत सोचिएगा कि अब मुझसे नहीं होगा, थोड़ा सा शुरू करिए आप, बस एक बार शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से होगा, ये मेरा दावा है। मैंने कई ऐसे बुजुर्गों पे आजमाया है इस थेरेपी को, योगा थेरेपी वार्म अप को, कि उनके जीवन में इतना लचीलापन आ गया कि वो अपने काम सही ढंग से करने लगे। हर काम के लिए दूसरे पे आश्रित होना पड़ता था, अब वो खुद सारा काम कर लेते हैं। तो अभी आपने पैरों का किया है, अब जैसे आपने पैरों का किया है ऐसे ही हाथ का करेंगे। पिताजी हाथ का पहले उंगलियों का, जैसे उंगलियों कैसे करेंगे, उंगली से पहले उंगली ऐसे उंगली। अब देखिए उंगली पे नियंत्रण मेरा है, पिताजी कर रहे हैं तो पिताजी का पंजा भी हो जा रहा है, क्योंकि दिमाग से जो नसें जुड़ी हुई है उनका कंट्रोल कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं हाथ उठाना, बुढ़ापे में हाथ नहीं उठ पाता, दिमाग चाह रहा है लेकिन यहाँ मैसेज नहीं भेज पा रहा है, मांसपेशियां कमजोर हो गई है, पंजे को ऐसे करना। तो ये दिमाग का और मांसपेशियों की ट्रेनिंग दोनों की है। आप जो चाहेंगे ऐसे हाथ होगा, फुर्ती आएगी, ताकत आएगी। मुट्ठी बंद करिए ऐसे जोर से, धीरे धीरे खोलिए, 5-5 बार करिएगा कम से कम, हम लोग 2-2 बार कर रहे हैं। अब मुट्ठी बंद करके ऐसे घुमाइएगा दोनों तरफ से, ऐसे नहीं हो पाता तो एक हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइएगा, कलाई का हो गया। ये देखिए अब हाथ की मांसपेशी, जो हाथ में कंपन होता है बुढ़ापे में, हाथ कांपने लगते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट होता है हाथ का, वो ठीक होगा। ऐसे कराइएगा, फिर साइड में ऐसे करा दीजिएगा, मैं थोड़ा आगे आ रहा हूं, ऐसे साइड में करा दीजिएगा। अब आपको ऊपर नीचे करा दीजिएगा, जैसे कहिएगा हाथ ऊपर करें नीचे करें, ऊपर करें नीचे करें, ऊपर करें नीचे करें, इस प्रकार। अब आपको क्या कराना है, शोल्डर रोटेशन करा दीजिएगा धीरे धीरे, कंधों को कैसे घुमाना है, हाँ शोल्डर रोटेशन ऐसे, इस प्रकार। आप देखिए कंधे जाम हो जाते हैं, तो आप ऐसे दोनों तरफ से कर लीजिएगा, आपके पूरे कंधे खुलेंगे। 60-70-80 साल के हो तो भी ये सब कर सकते हैं क्रिया। आज का जो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, रिलैक्स हो जाएंगे, ताली क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे, 1-2-3 तो हाथ धारिएगा, आप लगातार भी बजा सकते हैं ऐसे, इस प्रकार ऐसे 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 करिएगा, 1-2-3 क्लैप क्लैप, पूरा हाथ आपके चल जाए, कहिएगा पॉइंट टच हो, दोनों पॉइंट ऐसे टच हो। ताली बजाने का, भजन करने का उद्देश्य यही है अपने वहां भारत में, कि इससे हमारे सारे पॉइंट शरीर के हर अंग के पॉइंट हाथ में है, एक्यूप्रेशर में जो चिकित्सा होती है इसी आधार पर होती है, तो इसलिए ये थोड़ा फायदेमंद है। ये सब आप करिएगा। अभी क्या करना है, बैठे बैठे उनसे कहिएगा कि दादाजी ताऊ जी पिताजी जरा हाथ ऐसे करिए, और सांस भर के पीछे ले जाइए हाथ ऐसे, ऐसे ले जाएंगे तो आपकी जो छाती है फूलेगी, लंग्स आपके फेफड़े फैलते हैं बुढ़ापे में, अधिक ऑक्सीजन लेंगे, वापस ऐसे आएंगे सांस बाहर निकालेंगे। फिर एक बार करिए, फेफड़े मजबूत होने से सांस लेने की क्रिया है वो सही होगी, सांस आप सही लेंगे अधिक ऑक्सीजन लेंगे तो बुढ़ापे में भी अधिक ताकत आएगी, रिलैक्स हो जाएगी। अभी क्या करना है, हाथ को ऐसे उठाइए, थोड़ा पीछे ऐसे झुकी, जितना आराम से झुका बस, आगे आइए, फिर जाइए, 5-6 बार कराइएगा, ज्यादा नहीं, शुरुआत 2-2 बार से कराइएगा, लेकिन कराइएगा जरूर, रिलैक्स। इसमें भी आप देखिए आपकी स्पाइन भी ठीक हो रही, पीछे रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एक ऐसा अंग है, मैंने बताया कि एक तो घुटने दूसरे रीढ़ की हड्डी झुक जाता है, अधिकतर लोगों का ताकत नहीं रहती, और जब रीढ़ की हड्डी ताकत नहीं रहती तो हर जगह ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। तो अगर इस उम्र में 75 की उम्र में भी इस तरह फिट आपको दिखना है तो आपको योग करना पड़ेगा, मैंने अभी ऐसे बताया। गर्दन के लिए क्या करेंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन,
छोड़ते हैं धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे आगे, दो दो बार हम लोग कर रहे हैं। फिर साइड में ऐसे दाहिनी तरफ झुकाइए ऐसे, और बाईं तरफ झुकाइए दो दो बार, आप पांच पांच बार कराइए। हाँ रिलैक्स। अब देखिए पिताजी का कंधा अभी हिल रहा है, रीजन क्या है? क्योंकि फुल कंट्रोल अभी नहीं है, कुछ कुछ उम्र का असर है। जब आपका पूरी तरह से मांसपेशियों पर नियंत्रण होगा तो आप ऐसे करें, पूरा शरीर आपका स्थिर रहेगा, सिद्ध कर देंगे। अभी क्या करना है, दाहिनी ओर मोड़ के देखना है गर्दन को ऐसे, और बाईं ओर धीरे धीरे। पिताजी भी थोड़ी तो तेज कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में आप धीरे धीरे ही कराइएगा। अब रोटेशन करना है ऐसे धीरे धीरे घुमाइए, बहुत धीरे धीरे, सारी क्रियाएं बहुत धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका होने लगेगा दोनों तरफ से, दूसरी तरफ जैसे जैसे आपका होने लगेगा, आप थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, सारी नसें ब्रेन की आपके दिमाग से होकर जाती है, तो रक्त संचार दिमाग में भी बढ़ता है, तो जो भूलने की बीमारी होती है, बस बुजुर्ग में जो बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग होते हैं अक्सर भूल जाते हैं, तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी करने से पूरी बॉडी की ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, और आपके ब्रेन पर भी असर पड़ता है। आप ये ना सोचिएगा कि हम सिर्फ ज्वाइंट कर रहे हैं, मांसपेशियों का कर रहे हैं, आपके पाचन तंत्र पे, आपके श्वसन तंत्र पे, आपके पूरे नर्वस सिस्टम पे असर पड़ेगा, हर उम्र के लोगों के लिए। अभ्यास अब चेहरे के लिए, बुढ़ापे में मत सोचिए कि चेहरा रिंकल्स आ जाता है तो बिल्कुल हम निराश होकर बैठ जाए, अपने चेहरे के लिए भी व्यायाम करिए। यहाँ भी रक्त का संचार, ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, तो आंखों को जोर से बंद करिए, धीरे धीरे ओपन करिए, जोर से बंद करिए, धीरे धीरे ओपन करिए। मुंह में हवा भरना है, गाल भले पिचक जाए लेकिन मुंह में हवा भरिए, और फुला के गाल को रखिए, दो तीन सेकंड तक कहिएगा, रुकिए, बहुत फायदा करेगा आपको, चेहरे में भी रक्त संचार होगा। अब जबड़े को खोलना है, बंद करना है, बहुत धीरे धीरे, आराम से, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे, पूरा चेहरे की मांसपेशियों का, आपके गर्दन में भी तनाव होता है, ऐसे करेंगे, रिलैक्स हो जाए। आपने ये कर लिया, आंखों के लिए कर लिया, और मुंह के लिए कर लिया, जितनी भी क्रियाएं हैं आप धीरे धीरे करिएगा, स्पेशली सिर की क्रियाएं जो ऐसे झटके से ना करिएगा। अब क्या करना है आपको, ऐसे हाथ करा लीजिएगा और ऐसे झुकाइएगा साइड में, पिताजी करिए, ऐसे जितना हो पाता है बस उतना ही, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाँ बहुत करा दे, हो भी नहीं पाएगा, जो बुजुर्ग हैं वो पूरा शरीर हिलाएंगे, हिलाने दीजिएगा, धीरे धीरे कराइए, रिलैक्स हो जाए। अब क्या करना है आपको, ऐसे पैर कहिएगा, अगर फैला पाए तो फैलाइए, ऐसे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फैलाइए, और कहिएगा कि पिताजी थोड़ा दाहिने झुकिए, ऐसे बाईं ओर जाइए और थोड़ा सा दाहिनी ओर जाइए, पिताजी पैर न पकड़िए, अभी खाली सा आसान वाला बताइए, आसान वाला, आसान वाला। अब आप पैर पकड़ के पिताजी दिखाएं कैसे क्रॉस आप छूते हैं, ये देखिए क्रॉस, और फैला लीजिए पैर को, और फैला लीजिए, अब छूइए। देखिए पिताजी को छूने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ये योग का अभ्यास करते हैं। आप जरा ट्राई करिएगा, मैं कई यंग लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, बहुत से यंग लोग जो 24, 25, 26 साल के हैं वो भी नहीं कर पाते। इनका करने का जो राज है कि अभ्यास में है, अभ्यास करते हैं। शुरू में आपका ऐसे होगा, घर पे अगर कोई बुजुर्ग उनको कहेंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, अच्छा है ऐसे ही जाए, जाने दीजिए, धीरे धीरे होने लगे, उनको छूने की जरूरत भी नहीं। बुढ़ापे में बहुत कठिन आसन नहीं करना, जितना हो पाए उतना, यही उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर इस अभ्यास को बच्चे देख रहे हैं तो वो अपने दादा दादी, नाना नानी को भी ये अभ्यास कराएं और स्वयं करें, तथा जो हमारे उम्र के या 60 से ऊपर या हमसे ज्यादा उम्र के लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस अभ्यास को धीरे धीरे करें, क्योंकि यह अभ्यास करने से आप स्वस्थ होंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ एवं खुश रहेगा। बिल्कुल। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात पिताजी ने कही, थोड़ा सा मैं आपको और प्राणायाम करके दिखा रहा हूँ कि जैसे अधिक उम्र के लोग प्राणायाम कौन सा करेंगे। कठिन अभ्यास करना नहीं है, कपालभाति भस्त्रिका आसन है कि आप करें। बहुत अधिक उम्र हो गई है, 60 से ऊपर के हो गए हैं, शरीर से कमजोर हैं, तो क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है आराम से, अनुलोम विलोम करना है, ऐसे बंद कर लीजिएगा दाहिनी नासिका को, बाईं से धीरे धीरे सांस लीजिएगा, फिर बाईं को बंद कर लीजिएगा, धीरे धीरे दाहिनी से निकाल लीजिएगा, बहुत धीरे धीरे करना है, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं लाना है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, आपके मन को शांत रखेगा, और ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ाएगा। करना क्या है, बाईं से लेना है, दाहिने से निकालना है, और फिर दाहिने से लेना है, बाएं से निकालना है, ऐसे जितनी देर तक कर पाया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आराम से करें। ये सब अभ्यास जो मैंने बताए हैं, आप कुर्सी पर भी कई अभ्यास कर सकते हैं।
एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऐसे लोगों के लिए होगा कि जो मान लीजिए बैठ के नहीं कर सकते तो कुर्सी पर कैसे योग का अभ्यास करें। तो अभी आपने देखा कि कैसे पिताजी ने इस उम्र में भी योग की छोटी छोटी क्रियाओं को बड़े आसान ढंग से करके आपको बताया है। पिताजी के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में योगा फॉर सीनियर सिटीजन में आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर कोई ऐसे ही उपयोगी योगासन का अभ्यास लेकर आएंगे। तब तक आप योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।